पार्टी के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो नरेश इक्वेशन पर बेस होंगे। जैसे इसमें 1.3, 1.3.1, 3.2, 3.3 अपने आप करिएगा। इसमें इसको ऑर्डर में अरेंज करना है, इसकी हम फोटो भी खींच के भेज देंगे। हम क्वेश्चन को करना है 3.4, ठीक है। 3.4 के दो पार्ट हैं, तो इसमें पहला पार्ट हम आपको बताएंगे, सेकंड पार्ट अपने आप करिएगा। कह रहा कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, और फिर उसके बाद हमको को कैलकुलेट करना है डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। डेल्टा जी और साम स्थिरांक भी निकालना है, ये दो रिएक्शन इनके लिए अलग अलग, ये तीनों चीज़ें निकलेंगी। कैसे निकलेंगी देखते हैं। जैसे हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि रिएक्शन क्या दे दी गई है। रिएक्शन है 3.4 क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसमें जो रिएक्शन है, रिएक्शन ये दे दी गई है 2Cr सॉलिड में है प्लस 3CD 2 प्लस ये एक्वस है गिव्स 2Cr 3 प्लस एक्वस और 3CD, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव और डेल्टा जी और केसी, ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम इनके जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, ये जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ये हमको सीरीज से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बुक हो तो बुक में देखिएगा, ये आखिरी में सीरीज दी गई है, इससे हमको देखना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सीरीज गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो इनके वैल्यूज हमारे गिवन होंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ई नॉट सेल क्या पढ़ा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो पहले हम देखते हैं सेक्शन में एनोड और कैथोड कौन है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे हमारा रिएक्शन के रिएक्शन क्या बनेगी, रिएक्शन से एनोड कैथोड पता चलेगा, 2Cr गिव्स 2Cr 3 प्लस, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा Cr गिव्स Cr 3 प्लस, बैलेंस के लिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या बनेगी, 3CD 2 प्लस गिव्स 3CD, 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो रिएक्शन बची CD 2 प्लस गिव्स CD, यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ गए। तो देखो ये रिएक्शन है हमारी नॉर्मली ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन वाला होता है एनोड, ये है रिडक्शन, तो ये हो गई हमारी कैथोड, ठीक है। तो ये एनोड है, ये कैथोड है। अब हम क्रोमियम और इनकी वैल्यू, इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, ठीक है, वो हम सीरीज से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये है क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम के लिए कितना दिया है, क्रोमियम के लिए दिया है, क्रोमियम के लिए कितना है, -0.74, ठीक है। और कैडमियम के लिए, सीडी के लिए यहाँ पर दिया है 0.40, ये सीरीज से हमको देखना पड़ेगा। तो अब हम सीधे नॉर्मली इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, यही ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड हमारा कितना आया है, -0.74, ठीक है, और माइनस एनोड
कैथोड है हमारा ये -0.04 माइनस एनोड है हमारा कितना 0.74। इसको सॉल्व कर लें -0.40 माइनस प्लस 0.74। इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो एक टॉपिक हमको यहाँ से पता चल गया कि हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल पता चल गया। इसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा जी, जैसे हमने पीछे बताया हुआ है फॉर्मूला इनर्जी इक्वेशन में स्टार्टिंग में बताया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यही होता था। तो यहाँ पर जो n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जरा इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखें 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन है। जब रिएक्शन को हम कंबाइंड करेंगे, रिएक्शन को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए, ये नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे सेम होने चाहिए फॉर बैलेंसिंग। तो यहाँ 2 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6, टोटल नहीं काउंट करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने आ रहे 6। तुम्हारा एन हमारा कितना हो गया, एन हो गया हमारा 6 फैराडे कॉन्स्टेंट, 96,500 कूलाम, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.34। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा -1968.60। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा जूल पर मोल। इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, ये हमारा डेल्टा जी निकल आया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू हमारी आई है। ठीक है, ये वैल्यू, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसमें केसी निकालना है। तो हमने जैसे पीछे फॉर्मूला बताया था इसमें कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आरटी लॉग बेस 10 केसी, ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई है, -1968.60 -2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर हम किस में लेंगे, जो हमारा नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर लिया जाता है, टेम्परेचर हम जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा 298। ठीक है, लॉग बेस 10 केसी। अब जरा इसको हम सॉल्व कर लें, तो हमारा ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं लॉग बेस 10 केसी, ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड कर जाएगा 1968.60 अपॉन 2.303 इंटू 8.34 अपॉन 298। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो ये हमने कैलकुलेट किया है लॉग बेस 10 के सी इज इक्वल टू आ जाएगा 34.5014 समथिंग आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंटी लॉग निकालेंगे, तो देखा जाए इसका हम एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। एंटी लॉग निकालने के लिए हमको जैसे एंटी लॉग निकालना है 34.5014, तो एंटी लॉग जो स्टार्ट होता है वो पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम ये पॉइंट वाली ही डिजिट लेंगे, यहाँ पर अगले डिजिट से अभी मतलब नहीं है, 5014। तो फिर हम देखें 50 का 1 पर कितना है 3170 और मीन डिफरेंस क्या है 4 पर ये कितना है 3 ऐड हो जाएगा, ये आ गया। मीन्स इसको हमने निकाला तो 3173 आ गया।
अब क्या करते हैं, जो आगे के जो डिजिट होते हैं, जो भी लिखी होती है नंबर, ठीक है, उसमें हम एक ऐड कर देते हैं एंटीलॉग में। कितना हो गया 35। जितना नंबर आया उतने नंबर आगे से काउंट करके डेसिमल लगा देते हैं। जितने भी ये नंबर पॉइंट के आगे जितने भी नंबर होते हैं उसमें एक ऐड कर देते हैं, वन ऐड कर देते हैं, और जितने भी नंबर आएंगे उसमें हम क्या करते हैं, वन ऐड करेंगे, और जितने भी नंबर आएंगे उतने नंबर यहाँ से काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। तो देखो 35 आया है, तो 4 नंबर तो ये हो ही गए हैं, तो इनटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो चुके हैं, 31 बचे, 31, ठीक है। तो जैसे 137.0, इस पॉइंट को उठा करके अगर हम आगे ले आएंगे तो जितने पॉइंट आगे लाएंगे उतने नंबर यहाँ पे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो 3.173 इंटू 3 नंबर आगे आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 नंबर बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 34। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह एंटी लॉग निकालते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा सॉल्व करने पर, 3.173 × 10⁴। तो एंटी लॉग हुआ और ये जो चार्ट हुआ ये आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। जो इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करिएगा, ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन, अब जैसे इसमें ये सेकंड 3.5 का हमको इसमें इसके लिए नरेस्ट इक्वेशन लिखनी है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करना है, नरेस्ट इक्वेशन लिखनी है और बताना है ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं, एक बता रहे हैं बाकी अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर है ये 3.5 का, फर्स्ट दिया है एमजी सॉलिड है, एमजी 2+ 0.00 वन मोलर, सीयू 2+ 0.0001 मोलर और सीयू सॉलिड में, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसकी नरेस्ट इक्वेशन बतानी है और ईएमएफ बताना, ईएमएफ मतलब हमको ई सेल बताना है। पीछे जो हमने जो देखा था वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसने पूछा था, यहाँ पर हमारा ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करते हैं, रिएक्शंस बना लेते हैं। देखो रिएक्शन यहीं से बनेगी, ये एमजी गिब्स एमजी 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, सीयू 2+ गिब्स सीयू, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन है तो ये हो गया हमारा एनोड, ये रिडक्शन है, ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब पीछे कितना इनके इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हमको इक्वेशन में यूज होने वाला है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको सीरीज से देखना पड़ेगा। तो आप लोग सीरीज से देख करके लिखिएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके क्या होंगे। तो हमको ये चीज सीरीज में मिलेगी, सीरीज मिलेगी या तो ये हमको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम ई नॉट निकाल लेते हैं, क्या होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड कितना है 0.34 और एनोड कितना है -2.37। तो ये हो जाएगा 0.34 + 2.37, तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 2.71 वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसके लिए नरेस्ट इक्वेशन निकालते हैं। तो नरेस्ट इक्वेशन हमारी बनेगी क्या, तो ई सेल यही हमारा फाइंड करना है। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल सेम है, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग बेस 10। क्यों, अब क्यों में यहाँ पे क्या होता था, जो प्रोडक्ट होता था वो ऊपर रिएक्टेंट नीचे। तो देखो प्रोडक्ट में ये होगा, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट होंगे और ये रिएक्टेंट होंगे। तो उन्हें बताया था जिसके ऊपर चार्ज होता है वही लेते हैं, तो जब प्रोडक्ट में ये दोनों आ रहा है तो चार्ज किसके ऊपर है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एमजी 2+ और नीचे इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा सीयू 2+, ठीक है। ये हो गई हमारी नरेस्ट इक्वेशन, जो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा था नरेस्ट इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ई सेल इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आई है 2.71 माइनस 0.0591 इलेक्ट्रॉन, देखो कितने हैं 2 लॉग बेस 10,
एमजी की कंसंट्रेशन कितनी दे दी गई है 0.001 और इसकी 0.0001। ये हटेगा ऊपर जीरो पड़ जाएगा लॉक। अब यहाँ पर बचेगा क्या, ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10। तो लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हमारा रिमेन क्या रह जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर ले तो ई सेल हमारा कितना निकल के आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है तो जब इसको कैलकुलेट पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.68 वोल्ट। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चन अपने आप करिएगा, हम उसकी फोटो आपको सेंड कर देंगे।